मोदी सरकार ने काम तो बहुत किए पर कुछ ऐसे काम जो कि दिल को छू लेते हैं, इस वीडियो में मैं उनको ही लेकर आया हूँ। ये एक पहली सरकार रही जो कि जनता की सरकार रही। मैकेनिक मोहम्मद शरीफ जो कि एक पेशे से साइकिल मैकेनिक हैं, वो 25,000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। आज उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही मायने में जनता की सरकार यही होती है। 60 वर्ष से भी ज्यादा समय से हजारों वृक्षारोपण करने वाली तुलसी जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 30 साल से संतरे बेचकर कमाई से गरीबों के लिए स्कूल बनाने वाले हरिकला हजबा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरिकला हजबा कर्नाटक के मैंगलोर में रहने वाले हैं। हरिकला हजबा कहने के लिए तो अनपढ़ हैं लेकिन समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। डेक्कन क्रॉनिकल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 साल से संतरे बेचकर अपना गुजारा चलाने वाला हजबा ने अपने पाई पाई पैसे जोड़कर अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण किया। अब सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मरीजों के मसीहा लंगर बाबा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर से पीड़ित 84 वर्षीय जगदीश लाल आहूजा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वो किसी समय करोड़पति थे। वर्षों से पीजीआई के बाहर मरीजों के लिए लंगर लगा लगा कर आज वह कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन किसी को वो भूखा नहीं सोने देते। तो अंत में मैं मोदी सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। मोदी सरकार जनता की सरकार। Please press subscribe and bell button. And never miss a-